अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ एलोस्टेसिस। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है, एक इंप्रेशन बताया हुआ है, वर्किंग टू चेंज बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स टू फाइंड स्टेबिलिटी। ये एक ऐसे कि हेलो एक ऐसी एक चीज़ है जिसकी वजह से क्या होगा कि बिहेवियर या एटीट्यूड्स चेंज होंगे ताकि स्टेबिलिटी आए। अगर हम इसको यहाँ से पढ़ें तो ऑल दिस में गिव यू द इम्प्रेशन दैट इंडिविजुअल्स आर सीकिंग अ स्टेडी स्टेट इन विच डिमांड्स परफेक्टली मैच रिसोर्सेज। ये एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे आप जो है खुद में कुछ चेंजेस लाओ कि आपकी जो डिमांड्स हैं ना आप उनको फुलफ़िल करने के लिए अपने रिसोर्सेज को मैच करो। यानी कि जस्ट लाइक अगर आपको कोई टारगेट्स मिले हुए हैं तो उनको अचीव करने के लिए आप अपने एनर्जी लेवल बढ़ाओ, वर्किंग आवर्स बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। वाइल अर्ली रिसर्च टेंडेड टू एम्फसाइज सच एज होमियोस्टेटिक और बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम perspective, it has now become clear that no single ideal state exists. Instead, it's more accurate to talk about elasticity models in which demand shift, resources shift and systems of addressing imbalances shift. यहाँ पे overall जो बात कर रहे हैं वो ये basically ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक ideal जो है state नहीं होती, stability जो है वो नहीं होती। क्या होता है कि changes आते रहते हैं, ठीक है, changes आते रहते हैं, demand भी change होती रहती है, resources भी change होते रहते हैं, system जो है बैलेंसेस आ जाते हैं। आइडियली तो ये होता है ना कि आप इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में हो, सारी चीज़ें जो हैं स्टैटिक हो, आपके जो जितने रिसोर्सेज हैं उतनी ही डिमांड्स हो, ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसके अलावा क्या चीज़ बताई हुई है कि वी वर्क टू फाइंड स्टेबिलिटी बाई चेंजिंग आर बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक लोड और द क्यूम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसर्स गिवन टू द रिसोर्सेज वी ड्रॉन अप। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फीलिंग स्पेशली कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज एंड हैव लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यू में इंक्रीज योर विलिंगनेस टू एक्सपीरियंस स्ट्रेन एंड बी बेटर एबल टू मोबिलाइज कोपिंग रिसोर्सेज। अब अगर आपको कोई कह देता है कि आपके पास जो है वो एबिलिटीज़ हैं, आपके क्या होगा इससे आपकी विलिंगनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आप अपने पॉजिटिवली अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहोगे कि जो मैं काम जैसे जस्ट लाइक मैं एक काम है एक घंटे में कम्प्लीट करता हूँ, तो आप अपने आप को जो है वो खुद ही चैलेंज करोगे कि नहीं यार ये काम मुझे जो है कम से कम हाफ आवर में कम्प्लीट करना चाहिए, इससे क्या होगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यही सारी बात उन्होंने बताई हुई है। देयर आर ऑल्सो साइकिल इन स्ट्रेस प्रेफरेंसेज, यू हैव एक्सपीरियंस दिस वैन यू समटाइम्स फील जस्ट लाइक रिलैक्सिंग एंड रिकवरिंग। हाँ, स्ट्रेस के कुछ प्रेफरेंसेस भी होते हैं। क्या होता है कि आप हर टाइम ही स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, आप कभी कभार रिकवरी में भी चले जाते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट किस तरह के, आप किस तरह से उस स्ट्रेस को डील करो। फिर आता है पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एट वर्क। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो कि वर्क में होती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जस्ट लाइक फर्स्ट में कहा हुआ है के पोटेंशियल सोर्सेज हैं कौन कौन से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, फिर पर्सनल फैक्टर्स हैं, फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, फिर दैट्स ऑल। ये एक जो है पूरा इन्होंने क्या किया हुआ है, एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो चीज़ है वो बताई हुई है, ठीक है। अब ये जो पूरी है, जैसे अगर हम फर्स्ट में देखें पोटेंशियल सोर्सेज कौन कौन सी हैं, ये मॉडल जो है आप लोगों ने करना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसमें बताया हुआ है ये मेनली कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, इन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जैसे टास्क डिमांड्स, रोल डिमांड, इंटरपर्सनल डिमांड्स, इन डिमांड्स की वजह से आप जो हो किसी चीज़ पे स्ट्रेस ले रहे हो। फिर आ जाता है क्या पर्सनल फैक्टर्स, फैमिली प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सारी जो हैं सोर्सेज हैं कि आपने आपको किन किन चीज़ों से जो है वो स्ट्रेस हो सकता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। अब यहाँ पे आ जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि परसेप्शन, जॉब एक्सपीरियंस, सोशल सपोर्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये वो ट्रेट्स हैं जो कि ये जब सारे फैक्टर्स हैं आपके ऊपर, आपका परसेप्शन किस तरह के, मे बी कुछ लोग जो हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज को पॉजिटिव वे में ले लें, वो कहें कि हाँ हम जो आउटडेटेड काम कर रहे हैं हम उसको
अब टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से क्या होगा, हम इसको मॉडर्नाइज वे में करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। एक्सपीरियंस स्ट्रेस का मतलब ये है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है कर चुके हो, मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है आपको स्ट्रेस मैनेज करते करते, तो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा होता। ये आपका कितना एक्सपीरियंस है कि आप किस हद तक स्ट्रेस जो है मैनेज कर सकते हो। फिर आ जाता है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी बहुत टाइम या बहुत जगहों पे, जैसे लाइक बाहर जाते हैं अगर लोग, तो क्या होता है कल्चरल डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लोग अपनी ही कंट्री वालों को या अपनी ही नेशनैलिटी होल्डर्स को क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा फेवर दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें भी वर्क प्लेस में हो रही होती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे, इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, इलनेस है, क्लोनिक हेल्थ कंडीशंस है, ठीक है। इसके साइकोलॉजिकल अगर हम देखें, साइकोलॉजिकल देखें, तो क्या होगा कि आपकी जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। आप डिप्रेस रहोगे, हंसोगे नहीं, क्या होगा बहुत ज़्यादा दुख में रहोगे, इलनेस हो जाएगी, फिर क्या होगा हेल्थ कंडीशंस भी बिगड़ने लगेंगी। फिर आ जाएगा साइकोलॉजिकल एंजाइटी होगी, आप इमोशनली जो हो वीक से वीक होते जाओगे। फिर आपकी लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन होंगे, ये डिपेंड करेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ ही होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। फिर आ जाएगा बिहेवियर, लो जॉब परफॉर्मेंस, हायर एब्सेंटिज्म, हायर टर्नओवर। अब आपके बिहेवियर में क्या चीज़ें आ जाएंगी कि आपका जो बिहेवियर है वो एक तो जो लो जॉब की परफॉर्मेंस होगी आपकी, प्लस आपकी एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा होगी और हायर टर्नओवर होगा। फिर इसकी जो डिटेल्स है ना वो हम इंशाल्लाह जो है कल पढ़ लेंगे। वैसे मोर और लेस आप लोग इससे काफ़ी आइडिया हो गया होगा, फिर भी जो जो मेन पॉइंट्स है वो हम इसमें से कल इंशाल्लाह रीड आउट कर लेंगे।